और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, क्राइम ब्रांच को शारजील इमाम की एक दिन की हिरासत मिल गई है। शारजील इमाम की जामिया हिंसा के मामले में तफ्तीश की जा रही है, उसे पहले उसके भड़काऊ भाषण के लिए गिरफ्तार किया गया था। और इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी आलोक हमारे साथ जुड़े हैं। जी आलोक, हमारे दर्शकों को आगे की अपडेट बताइए। जी देखिए, शारजील इमाम जो कि जेएनयू का स्टूडेंट है और पीएचडी कर रहा था वहां से, इसको गिरफ्तार किया गया था पिछले महीने, जब इसने कई सारी जगहों पर इसने भड़काऊ भाषण दिए थे, जिसको हम कहते हैं कि देश विरोधी भाषण दिए गए थे, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी दिया था, वहां पर भी एक केस रजिस्टर है, उत्तर प्रदेश में भी, और नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं वहां पर भी दो जगहों पर केस रजिस्टर है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने भी केस रजिस्टर किया था, क्योंकि आपको याद होगा 13 दिसंबर को जिस दिन वायलेंस हुआ था, 15 दिसंबर से दो दिन पहले 13 दिसंबर को अभी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें शारजील इमाम दिखाई दे रहा था भड़काऊ भाषण देते हुए। उसके आधार पर दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने भी इसी तरह का केस रजिस्टर किया था जिसमें सेडिशन का सेक्शन भी लगाया था। उसके बाद पुलिस ने इसको अभी तक गिरफ्तार करके रखा हुआ था, इससे पूछताछ की जा रही थी दूसरे मामलों में, लेकिन आज उसकी पेशी की गई और कोर्ट को ये बताया गया कि जामिया में भी इसने भाषण किए थे, इसके कारण इससे पूछताछ करनी है। इसी के लिए कोर्ट ने एक दिन की न्यायिक पुलिस कस्टडी दे दी है। अब ये पुलिस की हिरासत में रहेगा, जांच से पूछताछ की जाएगी और ये जानने की कोशिश की जाएगी कि किस जगह पर एग्जैक्टली इसने ये भाषण दिया था और क्या सर्कमस्टेंसेस से भाषण दिए गए थे। जी आलोक, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।